मुक्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार, मैं सबको प्रणाम करता हूं, आप जितने भी हमको फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि मुझे आज फेसबुक लाइव पर क्यों आना पड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं इस बिहार प्रदेश का डीजीपी हूँ और डीजीपी होने के नाते यहाँ विधि व्यवस्था संधारण की पूरी जवाबदेही मेरी है, ये पुलिस की है। अपराध नियंत्रण का मामला हो या विधि व्यवस्था संधारण का मामला हो, ये प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की होती है और उसी पुलिस बल का मैं मुखिया हूँ। तो प्रदेश में कहीं भी तनाव न हो, फसाद न हो, चाहे वो जातीय फसाद हो या सांप्रदायिक फसाद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, सरकार ने इसीलिए मुझे बनाया है। और हर प्रदेश की डीजीपी की ये जिम्मेदारी होती है, केवल मेरी नहीं है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, एक घटना की सच्चाई आपको बताने के लिए आज फेसबुक लाइव आया हूं, ताकि मेरी ये बात बिहार की 12 करोड़ जनता तक पहुंच जाए और उनको ये सच्चाई पता चल जाए कि गोपालगंज में रोहित हत्याकांड का संबंध किसी सांप्रदायिक मामला से नहीं है। मेरे फेसबुक लाइव पर आने का उद्देश्य किसी का नुकसान करना, किसी की भावना को आहत पहुंचाना, ये भी नहीं है। मैं विधि व्यवस्था संधारण जो मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के क्रम में आज मुझे ये फेसबुक लाइव आना पड़ा। अब देखिए, गोपालगंज बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है और बहुत ही संवेदनशील जिला है सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उधर देवरिया जिला, इधर हमारा गोपालगंज जिला। बिहार उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। बहुत पहले मार्च में, 28 मार्च को एक घटना होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको कर दिया गया। मैं बहुत कम शब्द में, कम समय में, बिल्कुल जो अभी तक के अनुसंधान का सार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोपालगंज जिले में एक बेलवाडीह करके गांव है और कटैया थाना पड़ता है, गोपालगंज से काफ़ी दूरी है, रोड भी उतनी अच्छी नहीं, मुझे जाने में 1.5 घंटा समय लगा। एक रोहित हत्याकांड का मामला जो 28 मार्च को हुआ था, 5 बच्चे हैं, 2 हिंदू संप्रदाय के हैं, 3 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, 5 नाबालिग हैं, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, यही उम्र रही होगी। मैंने सबको देखा है, सबसे मिला हूं, एक मृतक रोहित को छोड़कर, और सबसे बात भी की है। सब नाबालिग बच्चे हैं, आपस में दोस्त हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, खेलते हैं। मैंने वादी का बयान भी लिया है, मृतक रोहित के पिता का, उनकी मां का, और उन्होंने स्वीकार किया है कि मित्रता थी, कोई दुश्मनी की बात प्रकाश में अभी तक आई नहीं। गांव में कोई झगड़ा हो, झंझट हो, तनाव हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, मुझे तो लोगों ने बताया 15 साल से कोई बात ऐसी नहीं हुई। एक से एक स्थितियां आईं, एक से एक परिस्थितियां आईं, और हाल के इस साल में तो कई ऐसे अवसर आए जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि देश में बहुत जगह बिगड़ा भी, लेकिन बिहार अपनी धुरी पर खड़ा रहा है, कहीं कोई सांप्रदायिक विवाद फसाद हुआ नहीं। ये 12 करोड़ बिहार की अमन चैन पसंद जनता का कमाल है, ये बिहार के डीजीपी का कमाल नहीं है, ये लोगों का कमाल है कि वो जहां थे खड़े रहे, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा, एक से एक परिस्थितियां आई। उस गांव में बताया लोगों ने कि 15 साल उसके पहले भी कोई इतिहास नहीं है कि आपस में सांप्रदायिक तनाव हुआ हो, बड़ा गांव है। बताया गया कि 400 से अधिक लोग हिंदू हैं और
मुसलमान तो दाल में नमक की तरह है, वहां अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग बताया गया मुश्किल से 10-15 घर होंगे, बहुत छोटी संख्या है। आपस में प्रेम है, एकता है, मोहब्बत है, भाईचारा है, किसी तरह की कोई तनाव की सूचना नहीं है, कोई इतिहास भी ऐसा नहीं है। ये 5 बच्चे हैं, 2 हिंदू के हैं, 3 मुसलमान के हैं, ये 5ों नाबालिग हैं, 1 उम्र के हैं, एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और रोज की तरह उस दिन भी ये 5ों गए। एक हिंदू बालक वही जाकर के उसको बुलाया, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। 3 साइकिल, 5 ये मित्र साथ जाते हैं गांव से 3-4 किलोमीटर दूर, एक खनुआ नदी है। यही नदी है जो उत्तर प्रदेश को बिहार से डिवाइड करती है। 20 फीट चौड़ी होगी लेकिन गहरी बहुत है। हमें तो लोगों ने बताया जेसीबी से शायद हाल में कोई खुदाई हो, जिसके चलते बहुत गहरी। मैंने नदी में घुस करके, प्रवेश करके और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां बालक के डूबने या उसकी हत्या करके वहां डुबाने की बात कही जाती है। मैं सारा अपना यूनिफॉर्म खोल करके और कपड़ा बदल करके उस गहरी, मैं तैरता बहुत अच्छा हूं, तैराक हूं, पानी से मुझे डर नहीं लगता, तो मैं उतरा और बादी के सामने, बादी थे, बादी की पत्नी थी, बादी के ससुर थे, बादी का पूरा परिवार था, उनकी बिटिया थी, सबके सामने जहां जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैं पानी में उसकी गहराई मापने के लिए उतरा कपड़े खोल करके। वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो आप हमको सुन रहे हैं सब देखेंगे, इसी फेसबुक पर डालूंगा। और मैंने पानी की गहराई लेना चाहा तो मुझे लगा कि पानी कम से कम, मुझे लगा 12 फीट गहरा तो जरूर होगा। मैं सीधा हाथ खड़े करके डूबता था, मुझे अंदाज नहीं आता था कि ऊपर अभी कितना पानी है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि खड़ा हाथी तो उसमें डूब ही सकता है। और मुझे बताया गया कि मार्च में जब यह घटना हुई थी या दुर्घटना हुई थी, उस समय पानी का स्तर और ऊपर था, मतलब पानी और ज्यादा रहा होगा। वहां पर उस घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना स्थल पर ही मैंने बादी की पत्नी का, यानी रोहित के पिता का, रोहित की माँ का, रोहित के नाना का, ये जो लोग अभियोजन पक्ष के थे, उनका बयान लिया, बाकी लोगों का भी लिया घटनास्थल पर। वहाँ जंगल है, झाड़ी है और पेड़ पौधे हैं, और अगल बगल के लोग भैंस चराने के लिए, पशु चराने के लिए दिन भर वहाँ रहते हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है वहाँ का। वहाँ मैं गया। अब कहानी ऐसी है कि 5ों मित्र भी वहां 28 मार्च को गए। ये 2-3 बजे दिन में जाते हैं, समय का हेर फेर हो सकता है। बादी की मां ने बताया वो 3 बजे का समय रहा होगा, 2-3 बजे का समय रहा होगा। यही बादी ने भी बताया, बादी की पत्नी ने भी बताया, माने रोहित की मां ने भी, रोहित के पिता ने भी, रोहित के नाना ने भी, जो समय बताया और जो प्राथमिकी में है मोटा मोटी यही अपराह्न का टाइम 3 बजे का समय रहा होगा, 1 घंटा आगे पीछे। ये बच्चे जाते हैं वहां 5ों एक साथ, और वहां जो भैंस चराने वाले हैं उसका बयान भी मैं वीडियो डालूंगा, आप देख लेंगे। कई लोग हैं जो रोज जाते हैं वहीं पर चराते हैं, उन लोगों का बयान कि हमने देखा कि ये 5ों बच्चे आए, एक साथ आए, एक साथ खेलने लगे, एक साथ नदी में नहाने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ ये उनको नहीं पता है, उनकी भैंस कहीं और चली गई तो उसके पीछे पीछे चले गए। मतलब 5 के अलावे कोई छठा नहीं था, ये उनकी बात से हमको लगा। तो अब ये बच्चे नहाने आते हैं, अब 4 बच्चे तो लौट जाते हैं जी, शाम को 6-7 बजे घर पहुंच गए। एक बच्चा नहीं जाता है। अब 15 साल का रोहित जब घर नहीं पहुंचा, माँ बाप को चिंता होती है, किसी माँ बाप को होगी, बहुत परेशान होते हैं, पूरे गांव में खोजते हैं, इन बच्चों से भी पूछताछ होती है। बच्चे साफ झूठ बोल देते हैं, हमें नहीं पता, वो पहले ही आ गया था, वगैरह वगैरह जो भी, मतलब वो कोई भी बात नहीं बताते हैं कि रोहित कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। अब देखिए, फिर उसी दिव्यांग एक लड़का है जो हिंदू समुदाय का है, जो घर से बुलाने गया था, और भी लड़के थे जैसा बताया, उसमें 3 मुसलमान हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अब उस लड़के को सख्ती से सुबह पूछताछ की जाती है, हमें बताया गया उसको 1-2 तमाचे भी गांव वालों ने लगाए, घर वालों ने लगाए, जिसने भी लगाया हो,
और उसको कहा कि नहीं तुम्हारे साथ गया, तुम बुला कर ले गए, तुमको बताना होगा कि रोहित कहाँ है। वो बताता है कि डूब गया। कहाँ? उसको लेकर के पूरे गांव के लोग उस जगह आते हैं जहां बच्चे नहाने आए थे या खेलने आए थे। वो जगह बताता है, लाश निकाली जाती है। लाश जब निकलती है, अब जिसके 15 साल के बच्चे की लाश निकली हो, उस बाप के दर्द को आप समझ सकते हैं, उस मां की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि उसके कलेजे में कैसी टीस उठती होगी। हमारे साथ होगा, हमको भी ऐसा लगेगा, आपके साथ होगा, आपको भी ऐसा लगेगा। 15 साल का बहुत ही तेजस्वी लड़का था, माँ बाप को पकौड़ी की दुकान है, गरीब हैं, 12 कट्ठे जमीन बताया हमको है, और कोई आय का साधन नहीं है, बहुत ही गरीब आदमी है। उसका 15 साल का एक बेटा, उसकी लाश निकल रही है। किसी पिता का मानसिक संतुलन ठीक रहेगा? किसी माँ का ठीक रहेगा? तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, वो पीड़ा उसको भी है। वो कल मैंने जब बात की माँ बाप से रोहित के, वो पीड़ा अभी भी झलक रही थी। बेटे की खो देने का दर्द इतना जल्दी जाता नहीं है। अब ये घटना होती है, उसके बाद हम यहां कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि लड़का रोहित खुद डूब गया या इन बच्चों ने उसकी हत्या करके उसको डुबा दिया। इस पर तो अनुसंधान चल रहा है, इस पर कोई जजमेंट नहीं है। लाश निकली, मां बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। मां बाप का दावा है कि नहीं, ये डूबने से नहीं हुई, इसको मार करके डुबाया गया। अब दूसरे दिन वहां के स्थानीय अखबारों में जो समाचार छपा, वो भी मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा, वो अलग है। अखबारों में ये छपता है कि डूब कर मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, इस तरह के न्यूज आए, कई अखबारों में आए। हमारे पास प्रेस कटिंग भी है, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, वो वीडियो बनाकर डालना नहीं जानता हूं। मैंने अपने एक असिस्टेंट को, सिपाही को बोला है कि उसको जो हमने बयान लिया है उसका छोटा छोटा पर्सन निकाल करके डाल दे, उसको आप देखेंगे तो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। स्थानीय अखबार इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, डूब कर मौत, डूबने की आशंका, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अब ये बात तो हुई, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस ने कोई इफ बट नहीं किया। रोहित के पिता ने जो कहा, पुलिस ने FIR कर लिया। उसने कहा हत्या हुई, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। और कानूनी प्रावधान है कि अगर कोई प्राथमिकी दर्ज करने जाता है, कराने जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि तुम इसमें ऐसे लिखो या तुम में ऐसे सुधार करके लिखो, तब हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे। उसने हत्या का आरोप लगाया, जैसे लगाया वैसे थाना प्रभारी ने उसका हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, और दर्ज ही नहीं कर लिया, तत्काल बिना विलंब किए हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। एक भागा हुआ है, 4 बच्चे, 5 बच्चे थे, एक बच्चा तो मर गया, 4 उसके मित्र, उन पर हत्या का मुकदमा, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा 2 लोगों को और वादी के पिता ने हत्या में शामिल होने का या साजिश करने का आरोप लगाया। उसमें एक जो बच्चा है उसका कोई पिता है, एक और गांव का कोई आदमी है, दोनों एडल्ट है, उसमें भी एक को गिरफ्तार कर लिया। मैंने 6 में से 5 गिरफ्तार, एक कहीं भागा है। तो पुलिस ने FIR गिरफ्तार कर लिया, जेल भी भेज दिया, एडल्ट तो जेल गया। अब 4 जो किशोर है वो कहां जाएंगे? किशोर न्याय परिषद में, क्योंकि नाबालिग है, जेल नहीं जाए। अब किशोर न्याय परिषद ने उनको जब उनको उपस्थापित किया तो उनको पेरोल पर रिहा कर दिया। अभी COVID-19 का समय भी चल रहा है, उनको रिहा कर दिया कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद, मैं समय ठीक से नहीं बता रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर वो घर आ गए। अब जैसे घर आते हैं तो वादी को लगता है कि पुलिस ने जरूर इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया,
नहीं तो हत्या के मुकदमे में जिसको भेजा गया था वो घर कैसे आ गए। यहाँ से उसकी हताशा शुरू होती है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है, उसकी निराशा शुरू होती है, पुलिस से शिकायतें शुरू होती हैं, पुलिस अनुसंधान में जाती है, उसकी गाड़ी के सामने लौटते हैं लोग, थाना प्रभारी पर आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस को गालियां दी जाती हैं और तरह तरह की बातें शुरू होती हैं। कम्युनिकेशन गैप यहाँ से बनना शुरू होता है और वादी को लगता है कि पुलिस निश्चित रूप से इसमें सही अनुसंधान नहीं कर रही और पुलिस के सहयोग से ही ये बच्चे छूट करके आ गए। ये सच नहीं है लेकिन ऐसा आरोप और लगता है और वादी के मन में एक हताशा का भाव, निराशा का भाव फैलने लगता है। अनुसंधान चल रहा है, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करके वो रिपोर्ट देते हैं, अशोक कुमार अकेला जी, उन्होंने बहुत विस्तार से मैंने इसका अध्ययन किया है, अंत में सिर्फ एक बात लिखते हैं कि ये मौत डूबने से हुई। मैंने उनका बयान भी लिया है, मैं डालूंगा, आप देख लेंगे बाद में। आज ही मैं 5 बजे के आसपास एक वीडियो डालूंगा जिसमें महत्वपूर्ण बयान है, वो बहुत लंबा है। मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की है, 50 लोगों से, हर तरह के लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, घटनास्थल और उसके बाहर भी जो गांव के लोग हैं, जो वहाँ भैंस चराने लोग हैं, सारे स्वतंत्र विटनेसेज का मैंने बयान लिया है। एक भी ऐसे आदमी का मैंने बयान नहीं लिया है जो इधर से या उधर से कहीं से किसी तरह से उसकी निष्पक्षता में संदेह तो लिया है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी होगी, आप अपना नहीं देख पाएंगे, तो मैंने उसको एडिट करके छोटा छोटा अंश कुछ लोगों का बयान डाल दिया है जिससे आपको पूरी एक तस्वीर उभर करके सामने आ जाएगी। बच्चे छूट करके आते हैं तो डॉक्टर साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं डूबने से मौत। मैंने बात की डॉक्टर साहब से, वो कहते, हमने कहा कैसे आप कह सकते हैं कि डूबने से मौत होती है। अब टेक्निकल टर्म में जो उनको उन्होंने हमको समझाया उस टर्म में हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लंग्स स्पाउजी हो गया था, उसको काटा तो उसमें एयर बबल्स निकल रहे थे, फूल गया था, स्पाउजी हो गया था, एयर बबल्स निकल रहे थे। तो ऐसा केवल ड्राउनिंग के केस में डूबने के कारण ही होता है, ये आम आदमी की भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मैंने ये भी सवाल किया, डॉक्टर साहब आँख में थोड़ा खून या कान में नाक में खून, इस तरह की बात भी बताई जा रही है, तो उन्हें बताया डूबने के क्रम में आँख पर और नाक पर इतना प्रेशर पड़ता है कि निकलने के बाद वो नसों से खून निकल जाना या थोड़ा रिसाव हो जाना ये संभव है, लेकिन जब इनके यहाँ डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी तो उस समय खून सूख गया था। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी या माने शरीर के बाहरी हिस्से में या अंदर के किसी भी हिस्से में कोई उस बच्चे में इंजुरी यानी जख्म नहीं पाया गया, मतलब किसी प्रकार के जख्म के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है, न गले में किसी तरह का कोई ऐसा निशान या कुछ भी। तो ये डॉक्टर साहब को पेन, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, मैंने फिर एक दूसरे डॉक्टर साहब जो वही सदर हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं उनसे भी मैंने ओपिनियन ली, उनसे भी बात किया और उसका एसपी साहब ने भी बयान लिया था, उस वीडियो को मैं भी डाल दूंगा। उनका भी ओपिनियन था कि ये मृत्यु डूबने से हुई है, लेकिन हम यहाँ केवल इससे संतुष्ट नहीं हैं, हम अनुसंधान को क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये हत्या का मामला भी हो सकता है और डूब करके मरने का मामला भी हो सकता है, अनुसंधान पूरा खुला है। लेकिन हमने जो वहाँ बयान लिया लड़के की माँ का, लड़के के बाप का, लड़के के नाना का, जो भी अभियोजन की तरफ से गवाही दे सकते, किसी आदमी, पहली बात तो यह कि इसमें से कोई भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, आई विटनेस नहीं है, नंबर वन। दूसरा परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है, इसमें से कोई भी आदमी ये बताने में सक्षम नहीं है कि इन बच्चों में आपस की किसी प्रकार की कोई दुश्मनी थी, कोई विवाद था, कोई तनाव था। मैंने हत्या में मोटिव खोजा जाता है अनुसंधान में, हत्या हुई तो कोई कारण होगा, यहीं से अनुसंधान की शुरुआत होती है पुलिस में। हत्या ऐसे नहीं होती, हत्या के पीछे कारण प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, पुरानी दुश्मनी होती है, कोई सेक्स का स्कैंडल का मामला हो सकता है,
कोई ईर्ष्या हो सकती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, कोई न कोई कारण होता है, मोटिव होता है। उस कारण को पुलिस अभी तक उस मोटिव को नहीं खोज पाई, और उस मोटिव को खोजने में हम वादी की सहायता चाहते हैं, वादी की पत्नी की सहायता चाहते हैं, अभियोजन पक्ष के सारे गवाहों की हम सहायता चाहते हैं कि हमको मोटिव बताएं तो वहां से हम अपनी शुरुआत करें। हमें नहीं मिल रहा है। हम तमाम दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि हत्या, ये मामला अगर हत्या का है तो हत्या का मामला साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य जुटाने में आप हमारा सहयोग करें। अगर आपको कहीं से किसी तरह का कोई साक्ष्य मिलता है तो आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम बहुत ही गहराई में इसका अनुसंधान करवा रहे हैं। सीआईडी भी इसमें लगी हुई है। हम चाहते हत्या करके कोई निकल जाए, हत्या को कोई को, को करके बच जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हत्यारा कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, और रिश्तेदार भी होता तो हम नहीं छोड़ते। तो हम इस बिंदु पर साक्ष्य जुटा रहे हैं कि अगर हत्या है तो हत्या क्यों हुई, और इन चार बच्चों ने जो उस पांचवें बच्चे के मित्र थे, इन पर हत्या का आरोप लगाया गया है, तो ये हत्या क्यों करेंगे? वहां ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि एक घंटा पहले मित्रता है और साथ में खेलने के लिए आ रहे हैं, और एक घंटा के बाद ये बच्चों में कौन सी ऐसी बात आ गई कि इतनी दुश्मनी फैल गई कि उन्होंने हत्या करने की सोच ली, और सब एक उम्र के नाबालिग बच्चे। हम इस पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस कारणों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करिए। सब कुछ ठीक था, एक महीने के बाद माहौल बदल गया, कहीं से किसी ने न्यूज चला दिया, वो पता नहीं किसी धार्मिक स्थान पर बलि की बात कह दी। उसके बाद रोहित के पिता का अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का बयान देने का मामला आ गया। कहीं वो बोल रहे हैं कि ये किसी धार्मिक स्थल पर उसकी बलि दे दी गई, उसकी माँ, उसके नाना बोल रहे हैं कोई मौलवी ने उनको पानी छिड़कता था। ये सब जो बातें बोल रही हैं, तो मस्जिद की बात कि मस्जिद में बलि दे गई, मैं एक ही विनम्र प्रथा करता हूँ, सीधी सी बात एक लाइन में आप समझिए, गाँव में कोई मस्जिद है ही नहीं, गाँव में कोई नमाज पढ़ाने वाला मौलवी है ही नहीं, मौलवी पानी छींटता था, कोई मौलवी ही नहीं है, ये तो नमाज पढ़ने दूसरे गांव में जाते हैं, हमको बताया गया। हाँ, दो तीन साल पहले ये मस्जिद एक आधा कट्ठा जमीन में बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी नींव भर पड़ी है, एक जगह 7 फीट की दीवार भी उठाई गई है ऊंची, लेकिन पैसा नहीं होने से या जिस कारण से वो काम पूरा नहीं हुआ, इन लोगों ने छोड़ दिया। वो 2-3 साल से वैसे पड़े, मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, गांव में मस्जिद नहीं है, न नमाज पढ़ाने वाला कोई मौलवी है। और फिर मैंने बहुत लोगों से बयान लिया, गांव के लोग, निष्पक्ष लोग, और जितका बयान लिया सारे एक बहुसंख्यक संप्रदाय के लोग, मैंने हिंदू लोग थे, एक एक से पूछा, और सबने एक स्वर से कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक मामला ही नहीं है, इसमें कोई मस्जिद मंदिर वाली बात ही नहीं है, ये सब बेकार बात है, ये अफवाह कहाँ से फैली, कैसे फैली, क्यों फैली, ये हम लोग नहीं जानते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी तरह का कोई न सांप्रदायिक तनाव है, न था, न कोई ऐसा मामला है। सारे पत्रकार भी वहाँ लोकल जो वहाँ के रहने वाले, गोपालगंज के नहीं, कटैया के, जहाँ की घटना है, वो पता नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला अपने SP DIG को लेकर गया था, लेकिन सूचना और गाड़ियों का काफिला देकर उनको पता चल गया होगा, तो 10-12 पत्रकार गए, एक एक आदमी से पूछा, सब ने कहा सर हम लोगों ने कभी रिपोर्टिंग ही नहीं की इस तरह की बात की कि कोई सांप्रदायिक मामला है, टोटल बिल्कुल निराधार है। अब कहाँ से किसने ये फैला दी, और जिसके चलते इतना भीषण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और चूंकि हमें अपने प्रदेश को बचाना है, हमें सांप्रदायिक सौहार्द बना करके रखना है, और ये अफवाह फैलते फैलते दूर दूर तक गांव में न फैल जाए, क्योंकि गांव में बहुत लोग हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं, और वो सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं, और अगर उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है, तब तो गांव-गांव में दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस फेसबुक लाइव से बिहार की 12 करोड़ जनता को इतना बता दूं
कि वहाँ कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, वहाँ कोई मस्जिद बनकर के तैयार नहीं हुई है, वहाँ कोई मौलवी नहीं है, और ये घटना है या दुर्घटना है, ये हत्या भी हो सकती है, डूब करके भी आदमी मर सकता है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों बातों को ध्यान में रख करके पुलिस इसका निष्पक्ष अनुसंधान कर रही है। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें किसी को दोषी पाया गया तो इसमें छोड़ा जाएगा। बाकी माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा और नाना ने क्या कहा, एक लाइन में स्टोरी है कि तीनों में से किसी ने मेरे सामने ये नहीं कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर लड़के की बलि दी गई है, एक लाइन की बात, और किसी ने नहीं कहा हमको, यहां तक कि बादी ने कई जगह उसने बयान दिया कि वो अल्पसंख्यकों के डर से भाग करके उसकी जान को खतरा है बाहर रहा, मेरे सामने उसने कहा वो थानेदार के डर से भाग गया, वो थानेदार के डर से भागा हुआ है, थानेदार उसको धमकी देता है, थानेदार पर बहुत तरह के आरोप भी लगाए गए और आपने देखा भी होगा उसको गाली गलौज करते हुए, थानेदार का वीडियो भी वायरल हुआ, वो भी आपने देखा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, थानेदार ने जो किया किस परिस्थिति में किया मैं उसकी सफाई पेश नहीं करना चाहता, किस स्ट्रेस में तनाव में उसको कितना परेशान किया गया, जलील किया गया, उस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूं और ये कहना भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में और किसी भी तनाव की स्थिति में किसी थानेदार को अमर्यादित भाषा में जनता से बात करने का अधिकार नहीं है। वो तो पीड़ित है, उसके 15 साल के बच्चे की हत्या हुई है या मौत हुई है और उसके परिवार के साथ कोई थानेदार और गंदी आवाज में गाली गलौज की भाषा में बात करता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, पूरे विभाग के लिए शर्म की बात है। तो पहला काम हमने ये किया कि थानेदार को जाते ही सस्पेंड किया, विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया, उस मामला का पटा छिप हो गया। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप जाने ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, या तो ये घटना है या एक दुर्घटना है। घटना माने या तो हत्या का मामला है, दुर्घटना माने या तो डूब कर मरने का मामला है। हम इसको अभी हत्या का मामला ही मान करके वादी के हिसाब से उसके लिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी साक्ष्य जुटाने में हमारी मदद कीजिए और एक बात और कहेंगे, अफवाह नहीं फैलाइए, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। देश बहुत मुसीबत में है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफवाह फैलाइएगा बड़ा नुकसान होगा। अब बिहार तो प्रेम की धरती है, मोहब्बत की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की कर्म भूमि है। मोहब्बत का पैगाम बिहार की धरती से दुनिया भर में गया है, अहिंसा का पैगाम बिहार की धरती से दुनिया भर में गया है। हम बिहार को बचाने में हमारी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। हमारी बात किसी को बुरी लगी हो या किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत लोगों के सवाल होंगे, बहुत तरह के सवाल होंगे, मेरे लिए फेसबुक पर किसी सवाल का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, इतना व्यस्त आदमी हूँ। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि केस घटना हुई है, 15 साल का एक बच्चा हमने खोया है, वो हमारा ही बेटा था, लेकिन अब वो हत्या का मामला है या डूब करके मरने का मामला है, हम उस पर साक्ष्य का कि जुटा रहे हैं, अनुसंधान जारी है और एकदम निष्पक्ष न्याय होगा। मैं इतना ही कह करके आप सबों को प्रणाम करता हूँ। गुप्तेश्वर पांडे, DGP बिहार।